देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। जिला ललितपुर, ब्लॉक मेहरौनी, मोहल्ला तालाबपुरा। यहाँ पर 20 परिवार ऐसे हैं आज भी जिनके आवास नहीं बने हैं। कई बार प्रधान से कह चुके पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आवास ना होने के कारण कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। सबसे ज़्यादा बारिश में दिक्कत आती है और शादी विवाह में, जैसे अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो बैठाने के लिए जगह नहीं है। कई बार तहसील दिवस में इन लोगों ने ज्ञापन दिया SDM को, BDO को, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपके यहाँ के कितने लोग परेशान हैं आवास को लेकर के? आवास को लेकर के अब तो किसी के हम अनुमान की 5-6 जनन की नहीं बने थे। इनको नहीं बनू, हमारा नहीं बनू। अभी ऐसी तो गलन जनन की नहीं बनी, वो तो सबके बनी है, सो उन्हें कहा लेने देने, उन्हें तो अपने घर की सब कुछ से बना ले। कमरा नहीं है, हम खो है, सुदूरानी जेठानी है, सास ससुर है, लड़ाई झगड़ा हो थमाए, पन्नी छई है और ऐसे वैसा हो, उससे बहुत परेशानी हो। जी मैडम, अब जो कच्चे मकान है तो रहने के लिए बारिश में काफ़ी दिक्कत होती है। काय घर चचाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनको बैठने में सोने के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं। हमने 4-5 बार कह चुके प्रधान जी से, क्या जवाब वे कहते हैं कि बन जाएंगे। 1-2 बार एप्लीकेशन भी दी। यहाँ कितने लोग रहते हैं जिनके आवास नहीं बने? और जिसके आवास नहीं बने हों तो वे तो अभी कम से कम 15 के लगभग हैं जो अभी वर्तमान में कच्चे मकान हैं। ज़्यादा कहते हैं कि बाय शादी छः का कहें दो ठगुआ घर में बंगे हैं लड़का हैं और अब जमाने ऐसे हुआ का कछु का सुबह कहूँ बाब मताई एक रुपया देते हैं की मजूरी का वे जावे बताओ का कछु काम है तय लग नहीं रहा, एक रुपया को काम नहीं आने सरकारी ने बेसो जो कछु है सो बे तना एक एक एकड़ धहती है सो में कहो दो बंगे हैं घर में। पहले कभी बना है आपका आवास या शुरू से? नहीं, कभी आया ही नहीं अभी तक, लिस्ट में भी नाम तक नहीं आए हम लोगों के। आवास नहीं बने तो ये दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि हम लोगों को आते नहीं हैं कुछ योजनाएं, बाकी के सब नाम कर देते हैं। जैसे कि हमारे गांव के लिए आए थे कुछ आवास तो बाहर बनवा दिए हैं प्रधान ने। अब ऐसे वोट डाल के क्या करें ऐसे आदमी की, जो अपने काम नहीं आए वो क्या करें। जैसे पक्के मकान आ रहे हैं सरकार द्वारा तो वैसे बनना चाहिए सबके लिए। बने 18-19 में 6 बने और 17-18 में 42 बने, टोटल 50 बन गए। और आपके अनुसार ऐसे कितने लोग रह गए हैं जो पात्र हैं और आवास उन्हें मिलना चाहिए? आवास मिलना चाहिए जिन्हें, हाँ 25 लोग हैं ऐसे। क्या आपने उनके बारे में कोई लिखित दी है कि इतने लोग रह गए हैं इन्हें आवास मिलना चाहिए? हाँ, सूचना है और सबकी कॉपी सत्यापन के अंतराम जो है पात्र पाए गए हैं उनकी सूची है अपने पास। तो लगभग कब तक आएंगे जी आवास, जैसे लोग परेशान हैं इधर उधर भटक रहे हैं आवास के लिए, तो आप क्या कोशिश करेंगे? वो तो शासन की पॉलिसी है, जब शासन से आएंगे तभी उस पर विचार होगा। अभी तो शासन से कोई दिशा निर्देश नहीं, हम लोगों ने पात्रों की सूची अपने पास बना के रख ली है और ब्लॉक में जमा कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक बनवाएंगे हम सभी को आवास। अभी सरकार की पॉलिसी के कारण अपन लोग तो ये कह नहीं सकते हैं जैसे कि हम कल बनवाएंगे 6 महीने, जो शासन से निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार अपन कहेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।